आम लोगों को स्ट्रोक लकवा से बचाव के प्रति जागरूक करने को लेकर पटना स्थित मेडास हॉस्पिटल का जागरूकता वाहन बुधवार को जिले के कई स्थानों पर लोगों को लकवा जैसी बीमारी के प्रति जागरूक किया। जागरूकता वाहन राज्य के पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा जिला होते हुए बिहार शरीफ पहुंचा, जहां विशेषज्ञों द्वारा तैयार और विशेष रूप से डिजाइन इन वाहनों में उपलब्ध पोस्टर, ब्रोशर और ऑडियो वीडियो सामग्री के माध्यम से आम लोगों को स्ट्रोक की पहचान, उससे बचाव व इलाज को लेकर शिक्षित किया जा रहा है। वहीं मार्केटिंग प्रबंधक मोहम्मद महताब हुसैन ने बताया कि जागरूकता वाहन को आम जनता का काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ये वाहन सूबे के विभिन्न जिलों में जाकर लोगों को लकवा से बचाव के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। इस माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि न्यूरो इमरजेंसी स्ट्रोक लकवा का इलाज संभव है। अगर मरीज को गोल्डन आवर्स पहले 4.5 घंटे के अंदर नजदीकी अस्पताल या स्ट्रोक सेंटर पहुंचाया जाए तो अत्यावश्यक मस्तिष्क कोशिकाओं के स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त से होने वाली मृत्यु या आजीवन विकलांगता से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य स्ट्रोक जैसी भयावह बीमारी से हो रही मौत एवं विकलांगता को रोकने के साथ ही प्रारंभिक चरण में उसकी पहचान कर समय पर इलाज व जीवन शैली में सुधार कर इस बीमारी को बढ़ने से रोकना है। धूम्रपान से बचाव तथा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण कर इसे रोका जा सकता है। क्या जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? सर, हम लोग पटना से निकलकर हर गांव में जा करके ये लोगों को बता रहे कि किस तरीके से स्ट्रोक से बचा जा सकता है, स्ट्रोक हो तो कहाँ जा सकते हैं, कैसे स्ट्रोक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऑडियो के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू ये सब लोगों तक जागरूकता फैला रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अतिकुर रहमान है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है मेडाज हॉस्पिटल।